बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, रियाजी मज़मून से, स्टैंडर्ड सेवेंथ में। आज हमारा यहाँ पे टॉपिक है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जिसे हम उर्दू में हंसी अमल कहते हैं। ठीक है, तो हिंसी अमल किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सो दिस टुडेज़ लेसन स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंगल बाइसेक्टर एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर जो है तो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस भी सीखेंगे। ठीक है, सो दीज आर द फोर मेन पॉइंट्स ऑफ टुडेज लेसन। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, जाविये का नासिफ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यू विल सी द फिगर ऑफ एंगल ए बी सी अलोंग साइड हियर। सो एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हमें देखना है यहाँ पर कि जाविये का नासिफ जो है तो जाविये को दो मसावी हिस्सों में किस तरह से तकसीम करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर एक लाइन लिया यहाँ पर। ठीक है, हियर इज अ लाइन, दिस वन नाउ इज अ एंगल, नेम ऑफ दिस एंगल आर एंगल ए बी सी। सो इन दिस एंगल ए बी सी वी हैव टू मार्क हेयर वन रे, है ना। सो इसके लिए हमें क्या करना होंगे, दो कॉस लगाने होंगे। ठीक है, प्रकार में एक मखसूस फासला लेंगे हम, और मखसूस फासला लेने के बाद में यहाँ पर इस तरह से दो हम यहाँ पर कॉस लगाएंगे। ठीक है, और ये जो दो कॉस है, इन दो कॉस पे प्रकार की नोक रखेंगे। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर लिया है तो इसमें हम देखेंगे ये प्रकार की नोक हमने पहले यहाँ पे रखी है। ठीक है, यहाँ से हमने एक मार्क ये किया है, दूसरा मार्क हमारा ये है। ठीक है, ये दोनों मार्क हमने किया है, ये दो कॉस हमने लगाए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों कॉसेन पे यानी यहाँ पर भी हम जो है तो प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से आगे इस तरह से एक कॉस लगाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से एक कॉस लगाएंगे। ठीक है, और फिर जो पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट है इस एंगल का ए से हम यहाँ पर जो है तो एक इसे हम यहाँ पर एक नुकता यहाँ पर हम लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें कि यहाँ पर हम रे खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि रे बी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो शुआ BM है, सॉरी जो शुआ यहाँ पर AM है वो जाविया ABC की नासिफ है। ठीक है, याद रखना है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि फॉन्ट मिसिंग की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से आपको हल्का सा निशान नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जाविया ABC जो है तो इसमें हम देख रहे हैं कि BM जो है तो क्या है, ये यहाँ पर AM जो है ये
ये जो है देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, शुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शुआ ए एम जो है दो ए बी सी जावी को दो मसावी हिस्सों में यहाँ पर तकसीम करती है, ठीक है। तो इस बेस पर हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है, तो जो जाविया यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी एम जो है, तो ये मुतमासिल होगा किसके, इस जाविये के, कौन से जाविये के, जाविया जो एम ए सी है इस जाविये के, ठीक है। यानी कि ये जो जाविया यहाँ पर बन रहा है, ये जाविया जो है तो इस जाविये के मसाले होगा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए इसे, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कतः खत का उमूदी नासिफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसे समझने के लिए हमें यहाँ पर एक सरगर्मी या एक प्रैक्टिकल यहाँ पे करना है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रकार और स्केल और जिसे फुट पट्टी कहते हैं वो लेकर बैठना है, और इससे ही आपको सरगर्मी अंजाम देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके लिए फोर्स, यहाँ पर 4 सम लंबाई का कतः खत पी एस खींचना है, और इसका उमूदी नासिफ हमें खींचना है, ठीक है। और उससे जो है तो कतः खत सी डी का नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी एस ऑफ लेंथ 4 cm एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड नेम इट ऑन लाइन सी डी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले लाइन पी एस हमने यहाँ पर खींचना है, ठीक है। कितने सम की है ये, 4 सम की है ना, 4 सम है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर पॉइंट पी से एक कॉस लगाना है और दूसरा कॉस इस तरह से नीचे लगाना है, ठीक है। प्रकार में प्रकार की बराबर नौ को हम यहाँ पर रखेंगे, या जो है तो एक फासला लेके भी हम यहाँ पर और यहाँ पर एक मार्क कर सकते हैं, और उससे भी हम इस तरह से यहाँ पर कॉसन लगाएंगे, जैसे एक कॉस हमने यहाँ पर लगाया, एक कॉस यहाँ पर लगाया है, ठीक है। देर आफ्टर दिस वन यहाँ पर हमें प्रकार रखना है, और इससे इस तरह से हमें यहाँ पर दूसरी तरफ मार्क करना है, ठीक है। तो और फिर ये जो हमारे यहाँ पर दो पॉइंट बन जाते हैं फिर, ठीक है, इस तरह से, और दोनों जगह पर हमें यहाँ पर इस तरह से लाइन लेना है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं सी और ये डी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यहाँ पर हमारा ये, अगर डिग्री रखते हैं आप यहाँ पर, डिग्री रखने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कायमा जाविया नज़र आता है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से मार्क कर देते हैं यहाँ पर, ये हमारा एम नुक्ता हो गया, कौन सा नुक्ता हो गया, नुक्ता एम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारा पॉइंट यहाँ पर तैयार हो रहा है, तो वो ये है कि जो एंगल सी एम एस है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो एंगल यहाँ पे तैयार हुआ है सी एम एस, ये कितना हुआ है, ये एंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है यहाँ पर कि जो, अब जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर कितने सम का ये लिया था, लाइन 4 सम था ना, राइट। तो जब हम इसे यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर कि डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा PM इज इक्वल टू लेंथ, PM इज इक्वल टू 2 cm एंड लेंथ MS इज इक्वल टू 2 cm, ठीक है। तो इस बेस पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेंथ PM इज इक्वल टू लेंथ MS, ठीक है, ये जो है तो इसके बराबर है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर
कि पी एम इज इक्वल टू एम एस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू की बेस से हम तस्दीक कर सकते हैं यहाँ पर कि खिता सी टी जो है, खिता पी एस जो है, तो ख़त सी टी का उमूदी नासिफ है, ठीक है, याद रखिए यहाँ पर इसे। तो यहाँ पर हमने देखा कि कतः ख़त का उमूदी नासिफ किस तरह से किया जाता है, हाउ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किस तरह से जो है तो मुसलस से में हम नुक्ता तराकुस यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किस तरह से तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर जो ज़िले तैयार हुए हैं, तो इन ज़िलों में आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे हमने यहाँ पर डी नाम दिया है, ठीक है, और इसे हमने यहाँ पर जो है तो एफ नाम दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अज़ला तैयार हुए हैं वो अज़ला पी क्यू क्यू आर पी आर पर जो है तो नुक्ता आई से खींचे हुए उमूद बिलतरतीब हमें आई डी है ना, इसी तरह से आई ई और आई एफ, ये जो है तो तमाम मसावी लंबाई के हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों के मुसलस के जावियों के नासिफों के नुक्ता तराकुस, आई को दाखली मरकज़ यानी इन सेंटर कहते हैं, ठीक है, याद रखिए इसमें कि दाखली मरकज़ जो है तो मुसलस के अज़ला से हम फासला होते हैं, ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है तो जो इसके नाम थे इसकी बेस पर ये एफ हो गया हमारा, ठीक है, और ये डी है, ठीक है। तो हम जो बात आपको बता रहे थे उसे आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये कि ये जो हमारा पी क्यू है, जो ज़िला पी क्यू है और क्यू आर है और इसी तरह से पी आर है, तो इस पर नुक्ता जो है तो हमने यहाँ पर खींचते हुए उमूद बिलतरतीब हमने यहाँ पर तैयार किए हैं, आई डी है, आई ई है और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि आई एफ है जो यहाँ पर नीचे, ठीक है, ये आई ई हो गया हमारा, ठीक है, इस तरह से।